आज हिंदुस्तान का प्रैम्बल पढ़ा जाएगा, आज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू स्टैंड अप। सर, आज शेख पब्लिक स्कूल का जो एनुअल फंक्शन यहाँ अलबदर सर्कल में हो रहा है जी, तो आपके बच्चे भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या सर? जी हमारे बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं सर। जी कैसी है सर स्कूल, माशाल्लाह के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छी है स्कूल, दीनी तालीम, इंग्लिश तालीम और कन्नड़ा तालीम सभी है, बहुत अच्छी है जी। और हमारा बच्चा इन्हों भी यहाँ पढ़े सो, अभी 8th स्टैंडर्ड को दूसरी क्लास स्कूल डाल को ही 7th स्टैंडर्ड तक यहाँ शेख पब्लिक स्कूल में पढ़े सो, माशाल्लाह पढ़ाई बहुत अच्छी है। तो फीस वगैरह कैसी है सर? नहीं फीस ऐसा क्या भी डिमांड क्या भी नहीं, फीस आराम से बन ले क्यों ना बन ले गए जे, डिमांड क्या भी नहीं, फीस मामूली है, ज़्यादा रिक्स भी क्या भी नहीं है, बहुत सब बात की सहूलत है, दीनी तालीम में और इंग्लिश तालीम में कन्नड़ा को सब बात को भी अच्छा बच्चन को सिखा रही और पढ़ी भी अच्छी है माशाल्लाह, टीचर्स भी अच्छे हैं। ओ माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं टीचर भी। तो आज एनुअल डे में आपके बच्चे भी हिस्सा ले रहे हैं? जी जी हमारे बच्चे भी हिस्सा ले रहे हैं। क्लास में पढ़ रहे हैं सर आपके? हमारे बच्चे 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं एक बच्चा, और एक बच्चे 3rd स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। जी तो स्कूल वालों को आप क्या बोलना चाहते हैं? बहुत बहुत टीचर को सर को से बहुत शुक्रिया बोलते हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ा रही हैं जी, इनकरेज कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, शायद शेख पब्लिक नर्सरी स्कूल माशाल्लाह बहुत अच्छी स्कूल है, सभी अच्छा मैनेजमेंट करती हैं, हर एक प्रोग्राम हर एक फंक्शन में सभी अच्छा सपोर्ट करती हैं बच्चों को, पढ़ाई में बच्चे को सभी सब अच्छा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी हमारे बच्चों को यहाँ जाना। आप ही लोगों भी ये स्कूल को सब ट्राई करो बच्चे को, माशाल्लाह पढ़ रही है 3rd स्टैंडर्ड। हाँ कितने बच्चे पढ़ रही है? मेरे 2 बच्चे पढ़, और एक 4th है 1/3 है। कैसा है स्कूल? नहीं माशाल्लाह सब अच्छा है, सब अच्छा करती हैं, टीचर्स तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, एक एक क्लास को 2-2 टीचर्स मेंटेन करती हैं, हमना बहुत खुशी हुई है स्कूल को जमा को, क्या भी तो प्रॉब्लम है, हर एक प्रोग्राम में सभी उन्होंने भी सपोर्ट करते हैं, हमना भी सपोर्ट में रहते हैं, क्या भी तो आप खुश हैं? हाँ बहुत बेहद खुश हो बेहद। तो आज यहाँ पे स्कूल डे मना रही हैं, तो एनुअल डे, तो ये बारे में क्या कैसा है मैनेज? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा, हर एक पेरेंट्स का भी खुशी में है एनुअल डे को, क्या भी कर को सभी फंक्शन को, मैम भी सपोर्ट करती हैं, सर भी सपोर्ट करती हैं, हमना भी करने देती, क्या भी येज करना वोच करना ऐसा करना कंडीशन नहीं करते, हमारी मर्जी से, पेरेंट्स की मर्जी और बच्चों की मर्जी से हैप्पीनेस रहती है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? इधर अलकरीम के पास। अलकरीम के पास, तो मैनेजमेंट भी सही है? अब बेशक बहुत सही है, अच्छा है, थैंक यू, शुक्रिया। आपके बच्चे ये स्कूल में पढ़ रही हैं जमा? हाँ ये स्कूल में पढ़ रही, क्लास में पढ़ रही, 5th स्टैंडर्ड पढ़ रहा बच्चा मेरा, 5th स्टैंडर्ड पढ़ रहा मेरा बच्चा। तो ये स्कूल के बारे में क्या बोलना चाहती हैं? स्कूल के बारे में तो बहुत कुछ अच्छी फैसिलिटी है, क्या भी तो कंप्लेंट तो क्या भी नहीं, बच्चा मेरा LKG से पढ़ रहा है, LKG से भी स्कूल में पढ़ रहा है, और मेरी बेटी को भी यहाँ से डाली, मेरी बेटी 3rd पढ़ रही है अब। तो टीचर्स से भी क्या भी कंप्लेंट नहीं, सब मैनेजमेंट भी अच्छा कर रही, सर की तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सपोर्ट कर रही, बच्चे का क्या भी कंप्लेंट था। मेरा नाम अजहरी खानम है, मेरी बेटी प्री KG से शेख पब्लिक स्कूल में पढ़ रही है, मेरी बेटी है ना ये स्कूल में इतना फर्स्ट आ रहे हैं, इतना फर्स्ट आ रहे हैं माशाल्लाह, ये पब्लिक स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, टीचर्स भी बहुत अच्छा उनको
सब ये पढ़ा रही कर रही, सब बहुत पसंद आ रहा है हमें, अभी आगे भी पढ़ाना चाहती, अभी हमारी बहुत अरमान है एच स्कूल में आगे तक अभी पढ़ाने की। और यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट कैसा है? सब अच्छा है, बहुत अच्छा है भैया माशाल्लाह। मामूली इंसान जो है अपने बच्चों को ये स्कूल में पढ़ा सकता है? हाँ बिल्कुल पढ़ा सकते, फीस के बारे में थोड़ा थोड़ा करके सार लेते हैं, एडजस्टमेंट उन्होंने सब कर ले हैं माशाल्लाह। प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे, मैम भी बहुत अच्छे हैं, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। मेरा नाम आयशा बानो है। कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं आपके बच्चे? मेरे बच्चे तीन मेरे बच्चे हैं, मेरा बच्चा फर्स्ट है सो ग्रेड वन में पढ़ रही, और एक सेकेंड बेटी है मेरी, दोनों है ना ग्रेड थ्री में पढ़ रही, और एक बेटा है उन्हें ग्रेड फोर में पढ़ रही। माशाल्लाह स्कूल बहुत अच्छी है शेख पब्लिक स्कूल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बहुत इंगेज, मेरे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रही और है ना मेरे बच्चों को बहुत नॉलेज भी आखा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारी है स्कूल। क्या कहते हैं फीस का भी क्या भी हम ना ये नहीं है, एक बार नहीं तो दो बार अगर तो, हालांकि साल में तीन मतलब अभी मंग लेते हैं कि अभी ये हम ना फीस के बारे में हम ना क्या भी नहीं बोल सकते, हालांकि हम ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं कि तो हमें क्या कहते मैं जाको हम तुम्हारे क्या भी तुम्हें कासांग क्या भी वेस्ट करो ना को जैसा है तुम्हारे पास वैसा कर लो, क्या भी बच्चों को क्या भी डिपेंड करते हैं। माशाल्लाह टीचर भी बहुत प्यारे हैं, इसातज़ा उनके बहुत अच्छे हैं, हालांकि हर क्या है तो प्रिंसिपल भी बहुत प्यारे हैं, हालांकि उनके जो बेटे हैं उन्होंने बहुत साथ दे रही है माशाल्लाह, बच्चों को बहुत ही यह कर रहे हैं, बहुत अच्छा बच्चों को नॉलेज दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह। रुकैया सुल्ताना, सुल्ताना खानम जी को, आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? फर्स्ट स्टैंडर्ड एक LKG मोहम्मद दानिश रुकैया सुल्ताना शेख पब्लिक स्कूल जी। कैसी है पढ़ी है ये? बहुत अच्छी है पढ़ी जी। क्या बोलना चाहती हैं पे टीचर्स को मैनेजमेंट को? सब कुछ अच्छा है, मैं ये बच्चा हूँ PKG से लेकर LKG फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ा रही हूँ, तीन साल से पढ़ा रही हूँ। माशाल्लाह स्कूल बहुत अच्छी है, वहाँ के मिस टीचर सब कुछ वहाँ का अच्छा है, अब मैं कोशिश कर रही हूँ आगे भी मेरे बच्चों को वहाँ पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ इंशाल्लाह कामयाबी। फीस के बारे में, एडमिशन के बारे में जो भी है सर फोर्स नहीं करते, जितना भी हमें कोशिश कर को देना रहता उसे उन्होंने अभी हम ना टाइम देती नेक्स्ट मंथ देती हूँ तभी सही बात, क्या भी हम ना फोर्स नहीं, स्कूल एंडिंग हुई तक भी हमारे पास मंग लेती, बहुत अच्छी स्कूल। थैंक यू। गुड इवनिंग, शेख पब्लिक स्कूल एनुअल डे फंक्शन माशाल्लाह हमारे सामने हमारे मैसूर कॉर्पोरेशन का कमिश्नर सत्संग बैठे हैं और हमारे KR हॉस्पिटल का जो डॉक्टर साहब चीफ डॉक्टर नयासवा साहब बैठे हैं, बहुत प्राउड है हमारे बेहतरीन जो ऑफिसर्स हमारे सामने बैठे हैं और फकर है हम लोग को हमारे होम के जो ऑफिसर्स अच्छे अच्छे पोस्ट में जाए, तो ज्यादा वक्त नहीं लेता मैंने क्योंकि ऑल पेरेंट्स जो आज आए हैं उनका बच्चों का टैलेंट देखने के लिए, क्योंकि एक तो ऐसा कहा जाता है कि हर बच्चे के अंदर टैलेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चों के अंदर टैलेंट्स नहीं है, बल्कि हर बच्चे के अंदर टैलेंट्स होते हैं, उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करना और उस टैलेंट को प्रमोट करना और हिम्मत अफजाई करना तो डेफिनेटली वो बच्चा आगे बढ़ता है। खुद मेरा ही एग्जांपल मैं बताता हूं, मैंने जो स्पीकर बना आज तो वो जो तरबिया मुझे मिला है मदरसों में, जब मैं मदरसा पढ़ता था तो हर साल मिलादुल नबी में जो कंपटीशन होता था तो हमारे जितने भी टीचर्स थे हम लोग को जो स्पीचेस देते थे वहाँ हर साल जितने भी साल मैं मदरसे में था फर्स्ट स्पीचेस में फर्स्ट प्राइज लेता था, तो वो जो मोटिवेशन था वो जो कॉन्फिडेंस था तो उस वजह से आज लाखों लोग रहे थे भी कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग बात कर सकते। तो
मैं पेरेंट्स को और टीचर्स को इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, हर बच्चे के अंदर वो टैलेंट होता है, उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करो और उस टैलेंट को हिम्मत अफजाई करो, मोटिवेशन करो, तो डेफिनेटली हर बच्चा हमारा उसको टैलेंट निकालने में काबिल होता है। दूसरा सेकेंड थिंग जो है एजुकेशन, क्योंकि देखिए हमारे जो कुरान शरीफ में जो पहली वर्ड था इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, रीड इन द नेम ऑफ अल्लाह, द फर्स्ट वर्ड था रीड। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हदीस है, आप नॉलेज गेन करने के लिए चाइना को भी जाना पड़ा तो आप जाना है। उस जमाने में 1400 ईयर्स ago रसूलुल्लाह सल्लम ने कहे अगर नॉलेज करना है तो चाइना को भी जाना है तो जाओ। तो नॉलेज जो हासिल करने के लिए एजुकेशन के लिए इतना इंपॉर्टेंस कुरान और इस्लाम दिया है, मगर अफसोस इस बात की है बहुत सारे लोग इसका ऊपर तवज्जो नहीं करते, इसके ऊपर क्या कोशिश नहीं करते और जो भी उनको बच्चों को जो राइट गाइडेंस देना है वो नहीं देते, क्योंकि हम ये कहते हैं कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजतुल लिन्नास, सबसे बेहतरीन कौम आप, सबसे बेहतरीन कौम हम होने के बावजूद भी आज सब में हम पीछे जा रहे हैं, तो इसमें एक बेसिक रीजन ये है एजुकेशन का कमी। तो मैं तमाम जितने भी पेरेंट्स जो बेटे हैं मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं एक वक्त का खाना कमी भी हो जाए बच्चों का एजुकेशन के लिए आप इंपॉर्टेंस दें बच्चों का। ठीक है, हमारे सामने है एजुकेशन का जो क्या होता है, हमारे सामने दो शख्सियत बैठे हैं, असद साहब मैसूर कॉरपोरेशन का कमिश्नर है, वो हासिल हुआ एजुकेशन से। हमारे क्यार हॉस्पिटल का चीफ जो है हमारे नयाजुल्ला शरीफ साहब डॉक्टर साहब, ये हासिल हुआ है उनका एजुकेशन से और उनका टैलेंट से। तो एजुकेशन का फायदा ये होता है हर वो पेरेंट्स एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दीजिए और सबसे उनको मोटिवेशन कीजिए अच्छी तरीके से, और स्कूल का जो भी गाइडेंस आता है मैनेजमेंट से या टीचर से वो ऐसा ही फॉलो कीजिए। इतना ही कहते हुए मैं तमाम लोगों को और एक बार स्पेशली हमारे शेख पब्लिक स्कूल का रबर उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, एक बेहतरीन प्रोग्राम माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं हमारे बच्चों का टैलेंट को निकालने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आए हुए सारे तलबा और उनके वालिदैन और यहाँ के हाजिरों को मेरी तरफ से सलाम है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, एल्लरिगू नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर नयाज पाशा है, मैं यहाँ की केयर हॉस्पिटल मैसूर केयर हॉस्पिटल का आलम हूँ। ये मैं आपको अपना मैं यहाँ पे एक लंबी चौड़ी तकरीर करने तो नहीं आया, मैं कोई प्रिपेयर्ड स्पीच भी लेके नहीं आया हूँ, बस दिन की बात है, चाहूँगा कि आपके दिल तक पहुँचे। हमारे ये शेख पब्लिक स्कूल के जो बानी हैं हमारे शेख साहब शेख मकसूद साहब, ये बड़ी एक अजीब शख्सियत है, एक मैं क्या कहूँ, ये लफ्ज अजीब इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि इनको मैं दीनदारी के तबके में देखूँ तो भी हैं, दुनियादारी के तबके में देखूँ तो भी हैं, एक बिजनेसमैन की हैसियत से देखूँ तो भी एक बड़ी शख्सियत है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। मेरे वालिद के दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे बुजुर्ग हैं, तो उनके दावतनामे पर मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ दो चार बातें आप लोगों तक पहुँचाने के लिए आया हूँ, अपने दिल की बात है। मैं जहाँ भी जाता हूँ हमारा गाँव के बच्चों को जहाँ देखता हूँ, मैं चंद मेरी एक आदत है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं चंद बातें लोगों को यहाँ पे हमारे बच्चों को बताऊँ। सबसे पहली बात, इल्म जितना भी हासिल किया जाए कम है, और एक मुसलमान होने के नाते एक इंडियन होने के नाते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना हमारे ऊपर फरीजा है, इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी है, फरीजा है एक इंडियन होने के नाते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इल्म हासिल करना हमारे ऊपर फरीजा है। और हमारे दीन का तो मैं क्या कहूँ, कुरान शरीफ की शुरुआत ही इकरा से होती है कि पढ़ो, तो पढ़ना
ये अल्लाह की तरफ से भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे पास, और एज ए इंडियन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसकी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं हमारे बच्चों से यही बात कहूंगा कि आप जिस स्कूल जिस क्लास में भी हूँ, और बच्चों से ज्यादा मैं वालिदैन से मुखातिब हूँ, ये कहूंगा कि आप अपनी जिंदगी का ये मंशूर बना लीजिए, एक एम बना लीजिए कि आपकी औलाद को एक अच्छी तालीम जरूरी है। ये स्कूल से, ये किताबों से, ये ब्रांड से, इससे नहीं मिलती है, ये आपकी तरबियत और आपके अखलाक से मिलती है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये अल्लाह का करम है, मेरी हैसियत बड़ी मामूली है, मैं अपने आप को यहाँ खड़े होने के लायक नहीं समझता, मेरी खुद की मेरा हुस्न ज़म है, मेरी हैसियत बड़ी मामूली है, लेकिन ये मेरे वालिदैन की दुआओं का, उनकी मेहनतों का, उनकी कोशिशों का, उनकी कामिशों का नतीजा है कि उसके सदके अल्लाह ने मुझे इज्जत से नवाजा है। मेरी मेरी जिंदगी का भी तजुर्बा रहा है, मैं अगर डॉक्टर बना तो मेरी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं थी मैं MBBS पढ़ूं, MD तो बड़ी दूर की बात है, मैं MBBS भी नहीं करना चाह रहा था, मेरी कोई ये ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन ये मेरे वालिदैन की का हुस्न ज़न था, उनका ये मंशूर था, उनकी जिंदगी का ये एम था, वो देख रहे थे मुझे डॉक्टर बनते हुए जब मैं छोटा सा था, मैं खेल रहा था, मुझे जब भी फैंसी ड्रेस मुझे याद है, मैं फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होता मेरे स्कूल में तो मेरे वालिद साहब बोलते टीचर बोलते आपके बच्चे ने फैंसी ड्रेस में लिया, मेरे वालिदैन जाते बोलते मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, ये उनकी वो ख्वाहिश थी। मेरी फोटोज है आज भी, मेरे बच्चे देखते हैं, वो देख के ताज्जुब करते हैं कि आप पहले से ही डॉक्टर हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं बनाऊँ, तुम्हारे दादा दादी ने बनाया मुझे। आप देखें अपनी औलाद को बहुत बड़ा आदमी बनते हुए, आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं आपको खुली बात, मैं आपसे दिल की बात बोल रहा हूँ, मेरी हैसियत बड़ी मामूली है, मैं कुछ नहीं, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं यहाँ खड़ा हूँ आपको मुखातिब करूँ, लेकिन ये मेरे वालिदैन की काविश और उनकी मेहनतों का नतीजा है कि मैं आज अल्लाह ने मुझे यहाँ ये इज्जत बख्शी, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। इंसान बड़ा वो नहीं होता है जो बड़ी दौलत कमा लेता है, इंसान बड़ा वो नहीं होता है जो बड़े बड़े ओहदों पर काबिज हो जाता है, इंसान बड़ा वो होता है जो अपनी हयात में कुछ ऐसा कर जाए जो दूसरों को मदद कर सके, ये अपनी हयात में अपनी जिंदगी में दूसरों के काम आ सके। ये मुझे ख्याल नहीं था कि मैं दूसरों के काम आ सकता हूँ, मेरे वालिदैन की सोच थी, ये उनकी ख्वाहिश थी, उनका ख्याल था, उनका तसव्वुर था, ये बहुत बड़ा उनका ये सोच थी, विजन था कि मेरा बच्चा एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा इंशाल्लाह, वो अपनी कौम के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने कंट्री के लिए कुछ बड़ा काम करेगा। मेरे मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किए हुए 25 साल हो गए, 25 साल बाद मुझे ये लगता है कि मेरी सोच बहुत मामूली थी, मेरे वालिदैन की सोच बहुत बड़ी थी। आज मुझे लगता है कि मैं अगर पायलट बन भी जाता हूँ, कोई बड़ा प्लेन उड़ा भी लेता, तो ज्यादा कुछ उससे कौम का या अपनी मुल्क का मैं कुछ बड़ा नहीं खिदमत नहीं कर पाता। आज मैं यहाँ डॉक्टर बना हूँ, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत से भी नवाजा है, गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन किया, अल्लाह ने बड़ी तरक्की दी, आज कर्नाटका की सबसे बड़ी हॉस्पिटल 1850 बेडेड हॉस्पिटल है हमारी केवल हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल का अल्लाह ने मुझे आरम्भ बनाया, उसका एहसान है। आज जो मैं लोगों की खिदमत करता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, हर तबके के लोग मेरे पास आते हैं, सुबह से शाम तक बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना रहता है, शाम को मेरी जब मैं घर पर बैठता हूँ सोचता हूँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस इज्जत से नवाजा कि मैं लोगों की खिदमत कर सका। मैं आप लोगों से यही कहता हूँ, अपने बच्चों को एक बड़ा विजन दीजिए, अपने बच्चों को एक बड़ी सोच दीजिए, आप खुद भी उसकी उस सोच के तहत मेहनत कीजिए, अल्लाह आपके बच्चे बहुत ज्यादा और आगे जाए। मैं दुआ करता हूँ स्कूल के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए, अल्लाह इनका मुस्तकबिल और ये और बाला बुलंद बाला करे, और मैं मुबारकबाद देता हूँ इस स्कूल के असातिज़ा को जिनके बच्चों ने नातिया कलिमात और हम्द के जरिए और उसके बाद क्रियांकन पढ़ने के जरिए अपने कमालात का मुजाहरा किया। मुबारकबाद के हकदार है यहाँ के असातिज़ा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह।